subscribe my channel Disclose for Human and press the bell icon to get the notification of my new uploaded video. Hello nation, welcome to my channel Disclose for Human. आज का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो WBPDCL की तरफ से है, मतलब वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिट की तरफ से है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 328 और जिसमें डिप्लोमा ग्रेजुएशन एंड ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है 16 नवंबर 2018। तो चलिए मेरे वेबसाइट पर जाके इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप पहले मेरे वेबसाइट पे आ जाइए, आई विल गिव द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो मेरे वेबसाइट पे आके आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहां पर क्लिक कीजिए। तो इस पेज में मैं सब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। तो मेरा लास्ट अपडेटेशन था WBPDCL की तरफ से, तो ये एकदम पहले दिखा रहा है। तो चलिए इसको रीड मोड करते हैं और इस रिक्रूटमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। सो हियर इट इज। तो इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट चालू हो चुका है 1 अक्टूबर से और लास्ट डेट है 16 नवंबर 2018। तो अभी भी वक्त है और ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो लेट्स मैक्सिमाइज इट एंड गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसे कि मैंने पहले बोला, ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से है। तो चलिए अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये डिटेल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो देखिए, फर्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर प्रोफेशनल फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो ये दो पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको डिप्लोमा होना जरूरी है विद 60% मार्क्स और नंबर ऑफ वैकेंसी है फॉर मैकेनिकल 14 एंड फॉर इलेक्ट्रिकल 6। और इसका आपका पे बैंड है 6300 से लेकर 20200 एंड ग्रेड पे 4400। तो नेक्स्ट पोस्ट है सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको डिप्लोमा होना जरूरी है विद 60% मार्क्स इन सिविल और इसका पे बैंड भी सेम है। नेक्स्ट है सब असिस्टेंट इंजीनियर सर्वे, इसके टोटल नंबर ऑफ पोस्टेड 3 और इसको अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है और डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। नेक्स्ट है केमिस्ट प्रोफेशनल, तो इसका भी पे बैंड सेम है और इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 18 और इसको अप्लाई करने के लिए आपको जरूरी है B.sc ऑनर्स इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, तो इसका आपका पे बैंड सेम है मगर ग्रेड पे थोड़ा चेंज है 3900 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 10। तो इसके अप्लाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स होना जरूरी है इन योर ग्रेजुएशन एंड आपको MS ऑफिस में मिनिमम 100 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड चाहिए शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर की डिप्रेशन स्पीड ऑफ 8000 पर आवर ये चाहिए और आपको बंगाली फॉन्ट का नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका ऑफिस एग्जीक्यूटिव, इसका आपका पे बैंड सेम है मगर ग्रेड पे आपका चेंज है ये 3600 और इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 25। तो इसके अप्लाई इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 50% मार्क्स होना चाहिए इन योर ग्रेजुएट और ऑनर्स पे। और नेक्स्ट है आपका स्टाफ नर्स, तो इसका भी पे बैंड एंड ग्रेड पे सेम है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 6। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास हायर सेकेंडरी के पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट है रेडियोग्राफर, इसका भी आपका ग्रेड पे एंड पे बैंड सेम है और नंबर ऑफ वैकेंसी है 2। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आप अगर आप हायर सेकेंडरी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोर्ड से पास करते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास दो साल का डिप्लोमा है इन रेडियोग्राफी तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी है और DRD टेक में है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है इन एनी हॉस्पिटल और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये एक्चुअली एक सर्विसमैन के लिए है, ये आपका टोटल नंबर पोस्ट है 15। नेक्स्ट पोस्ट है ऑपरेटर और टेक्नीशियन प्रोफेशनल, तो ये आपका ITI के लिए है। इसमें ITI का फिटर और इलेक्ट्रिशियन दोनों का पोस्ट है। फिटर में बहुत मतलब सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें ही है, फिटर में 140 और इलेक्ट्रिशियन में 60 पोस्ट है और पे बैंड 6300 से लेकर 20200 तक और ग्रेड पे 2600। इसको अप्लाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स होना जरूरी है इन माध्यमिक, उसके बाद आपका ITI होना जरूरी है इन दैट रिस्पेक्टिव ट्रेड। तो नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट टीचर हाई स्कूल, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में ऑनर्स चाहिए विद BEd, तो यहाँ पर दे दिया है ये आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हाँ इसका पे बैंड भी बहुत अच्छा है और इसका पे बैंड है 9000 से लेकर 40500 और ग्रेड पे 4700।
तो नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट टीचर, इसका आपका पे बैंड 5400 से लेकर 25200 तक है और ग्रेड पे 2600 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4। तो इसका अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए हायर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स और आप हायर सेकेंडरी वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी बोर्ड से कर चुके हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका मतलब हायर सेकेंडरी में फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज में बंगाली होना जरूरी है। तो नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन के लिए आपका पेमेंट है 6300 से लेकर 20200 और गेट पे 2600 और नंबर ऑफ वैकेंसी है 2 और इसका अप्लाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स होना चाहिए माध्यमिक पे या फिर आपके पास अगर ट्रेड सर्टिफिकेट है मतलब ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन नॉलेज विद नॉलेज ऑफ कैट कैम, तो आपको कैट कैम का भी नॉलेज होना जरूरी है मतलब ऑटो कैट। नेक्स्ट है आपका इस ये जो पे है इसके साथ साथ आपको सब कॉम्पेंसेशन मिलेगा मतलब अलाउंस सब मिलेगा। तो अभी देख लेते हैं एज लिमिट, तो एज लिमिट है 32 ईयर्स एक्सेप्ट आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आपका एज लिमिट है 37 ईयर्स और SC ST OBC के लिए जैसे आपका छूट रहता है वैसे छूट है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको कैसे करना है मैं दिखा दूंगा, पहले देख लेते कितना पैसा लगेगा। तो फॉर जनरल कैंडिडेट 300 रुपीज लगेगा मतलब जनरल एंड ओबीसी के लिए और SC ST PWD के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये आपका पेमेंट होगा ऑनलाइन पे, ये देख सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो अभी देख लेते आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो फॉर ये पोस्ट इस पोस्ट के लिए मतलब ऑपरेशन मेंटेनेंस सुपरवाइजर प्रोफेशनल सुपर सब असिस्टेंट इंजीनियर प्रोफेशनल सब असिस्टेंट इंजीनियर सर्वे स्टाफ नर्स रेडियोग्राफर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशनल टेक्नीशियन प्रोफेशनल फिटर इलेक्ट्रिशियन ड्राफ्ट्समैन मतलब जो हो गया डिप्लोमा और ITI वालों के लिए। तो इसके लिए आपका जो होगा रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अभी देख लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, तो उसके लिए पहले होगा रिटन टेस्ट, नेक्स्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा और नेक्स्ट है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, उसके लिए आपका पहले होगा रिटन टेस्ट, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू और असिस्टेंट टीचर के लिए आपका होगा पहले रिटन टेस्ट फील्ड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। तो अप्लाई करने के लिए ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में दिखा दूंगा। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, तो जिसका जिसका रिक्वायरमेंट मैच कर रहे जाइए अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाई करने के लिए मेरे वेबसाइट पे इस पेज पे आ जाइए, आई विल गिव द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अप्लाई ऑनलाइन के तरह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये पेज ओपन हो जाएगा, तो इस पेज में आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपको डायरेक्ट उस पेज में चले जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन के। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए तो ये रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया। तो अभी आप लोग सब आपका डिटेल्स दे दीजिए और फॉर्म फिलअप कर लीजिए। सो दैट्स इट गाइस, बेस्ट ऑफ लक। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो फॉर द अदर एस्पिरेंट्स एंड ऑल्सो फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स and subscribe my channel for getting this type of video in future. Thank you.